नमस्कार दोस्तों, सुमसा टेक्निकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेडमी नोट 5 प्रो स्मार्टफोन बुक करना बहुत ही कठिन होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन इसकी जो होती है मांग बढ़ती ही जा रही है और सेल में जितना जल्दी ये स्मार्टफोन आता है उतना जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से इंतजार करने के बाद भी अगर आपको भी नहीं मिला है रेडमी नोट 5 प्रो, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सुमसा टेक्निकल। दोस्तों, रेडमी नोट 5 प्रो को बुक करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कुछ टिप्स, जिसको आप रखिए ध्यान में, जिससे हो जाएगा आपका आसानी के साथ Redmi Note 5 Pro का स्मार्टफोन बुक। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपकी ये Redmi Note 5 Pro की सेल होती है उससे पहले आप अपने फ़ोन की जितनी भी बैकग्राउंड ऐप है उन सबको कर ले क्लियर, यानी कि आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चलनी चाहिए। दूसरी बात आती है, आप अपने फ़ोन का जो है ऐप में लॉगिन हो जाए कम से कम 5 मिनट पहले। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सेल शुरू होने वाली होती है उससे 5 मिनट पहले आप अपने ऐप में लॉगिन हो जाएँ। ऐप में लॉगिन होने के बाद में दोस्तों आपको करना है कुछ खास काम। सबसे पहले आप अपना वहाँ पर एड्रेस जो है वहाँ डाल दें, अपने एड्रेस को वहाँ से पहले से सेट कर लीजिए। उसके बाद में आप अपना पेमेंट मेथड जो है आप वहाँ रखिए फ़ोन पे। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन पे में आप अपने वैलेट में पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बुक नहीं भी होता है तो आप वहाँ से वापस अपने बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इतना सब हो जाने के बाद में आपको क्या करना, सेल का इंतज़ार। और यहाँ पर जैसे ही आपको दिखिएगा बाय नाउ का ऑप्शन, बाय नाउ के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आपको कुछ एरर भी आ सकता है, लेकिन अगर एरर आता है तो आप देख सकते हैं कि भाई बाय नाउ के ऑप्शन को आप छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू क्लिक करना है। पर 1 सेकंड में मान लीजिए आपको 2 से 3 क्लिक करना है, जिससे आपका फ़ोन जो है बाय नाउ में चला जाएगा और सीधा आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। अब वहाँ से आप पेमेंट ऑप्शन में फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए। इस प्रकार से आपका फ़ोन जो है आसानी के साथ बुक हो जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको जो कोड आता है वो भी काफ़ी तेज़ी से एंटर करना है, यानी कि आपकी जो अंगुलियां हैं फ़ोन पर काफ़ी तेज़ चलनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो फ़ोन का इंटरनेट है वो काफ़ी तेज़ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फ़ोन का इंटरनेट धीरे से भी स्लो हो गया तो फिर आप इस स्मार्टफोन को नहीं खरीद पाएंगे। दोस्तों, इसको ख़रीदने के लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन का जो बैकग्राउंड की ऐप है उन सबको क्लियर कर दीजिए। उसके बाद में आती है आपका फ़ोन का इंटरनेट, उसे रखिए तेज़, जिससे आप आसानी इसके साथ इस स्मार्टफोन को ख़रीद पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।